नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलेश्वर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एचआर एक्सपर्ट गोवा। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना इलेक्शन कार्ड यानी वोटर आईडी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी बजा दीजिए ताकि हमारे चैनल में आने वाले अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और अपना सुझाव और शिकायत हमें कमेंट करें। आपका सजेशन का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल सर्च में जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, सबसे पहले वाले को क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें डाउन स्क्रॉल करना है और सर्च करना है व्यू मोर करंट इशूज। यहाँ पे आपको 5 मेनू दिखाई दे रहे होंगे। पहला है रजिस्टर नाउ टू वोट, दूसरा है सर्च नेम इन वोटर लिस्ट, तीसरा है एनरोल एज अ एनआरआई वोटर, चौथा है सर्विस वोटर पोर्टल और पांचवा है नेशनल ग्रीवेंस सर्विसेज। तो हमें सेकेंड वाला को क्लिक करना है सर्च नेम इन वोटर लिस्ट। ये अगला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपको पूरा फुलफिल करना है, जैसे नेम डालना है, अपना फादर और हस्बैंड नेम डालना है, एज है। एज में यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपना एज भी लिख सकते हैं या फिर डेट ऑफ बर्थ। आगे है जेंडर, उसके बाद अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करें, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे यहाँ कैप्चा कोड दिखाई देगा आपको। ये कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करके सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे नीचे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे आपका नेम, एज, फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरी आपकी जानकारी यहाँ पे होगी। तो आपको फिर यहाँ पे व्यू डिटेल में क्लिक कर देना है। व्यू डिटेल इसको क्लिक करेंगे आप तो उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्रिंट के लिए एक ऑप्शन मिलता है, प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन, तो क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इसे आप डाउनलोड होने के बाद क्लिक कर देंगे तो आपका ये वोटर आईडी प्रिंट आउट के लिए रेडी मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपना सारा इन्फॉर्मेशन ब्लर करके रखा है, तो आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि कृपया आप किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी ये सब सेंसिटिव चीज़ें जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, इन सब चीज़ों को शेयर ना करें।